सांत्वना करना देना चाहूँगा यहाँ पे। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे अंपायर हैं मिस्टर धीरज, कल से वो सुबह से यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में खड़े हुए हैं और पेशेंस के साथ अंपायरिंग कर रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट अभी भी कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए दोस्तों। व्हाट अंपायरिंग, शॉर्ट बॉल फिर से उसको हवा में खेला लेकिन एक रन मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट द अंपायर, अंपायर इज समथिंग यू नो द होल एंड सोल फॉर द फैमिली। जिस तरह से अगर एक फैमिली में 12 बच्चे होते हैं तो सारे के सारे अपने पिताजी की बात सुनते हैं, इसीलिए प्ले ग्राउंड में जब प्लेयर्स खेलते हैं तो अंपायर इज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैच। आर यू एग्री विद दिस? वेरी वेल सेड नरेश सर, एज वी ऑल नो दैट अंपायर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीम एज वेल। दैट seems that the ground ka position is totally very difficult. Many of the matches as we have seen has totally changed because of the scenario, because of the situation of this ground. Declare, yes. Nakis, bilkul agar Naresh sir dekha jaye to is match ki jo bhaugolik sthiti hai wo bilkul thodi si committee members se wahan par guzarish hai, ball lekar aana hai जो वॉलेंटियर्स है कमेटी के, प्लीज बॉल के ऊपर ध्यान रखना है आपको। यस नरेश सर, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस मैदान की जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर जरूर है, क्योंकि इस तरीके के अगर आप देखा जाएंगे तो लेफ्ट आर्म जो बल्लेबाज है उसको थोड़ा सा वहां पर जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट देखने मिलता है कि अच्छे शॉट्स थे। देखो पहले गेंद पर छक्का खेल दिया था, उसके बाद ये भी बहुत अच्छा स्ट्रोक था, शायद से अगर चौका हो सकता था, लेकिन बिल्कुल कमेटी मेंबर्स आप दिख नहीं रहे, कहां गए सब लोग? लेग साइड पे, हाँ वहां और एक जन को ले और वहां पे जब तक लेफ्टी खेल रहा है वहीं पे रुको प्लीज। डिक्लेअर नक्कीच पंच धीरज आपण पाहत आहात, नक्कीच कालपासून इकडे मैदानात तटस्थ आहेत आणि नक्कीच पंच धीरज सरांचं जितकं आपण करू तितकं कौतुक कमी आहे। अप्रतिम स्ट्रोक पाहायचे, तावला रहा तू क्यों बोल रहा, मतलब देख खुला रहा मारा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंपायर से कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप जांच पड़ताल कर ले, देन अकॉर्डिंगली यू विल गिव रिजल्ट। अंपायर आई थिंक योर इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी देयर, आप प्लीज थोड़ा इस डिसीजन में कॉन्ट्रीब्यूट करें। आपको ये मैच
जो भी बॉलिंग करेगा 15 मिनट में खत्म करना है, 15 से 16 मिनट हुआ तो 5 रन का पेनल्टी, अभी आप आगे वाला डिसाइड कर लेना सर। यहां पर जय भाई का स्वागत मनोज सौदा जी अपने हाथों से करेंगे। यूट्यूब कैमरामैन से मेरा गुजारिश है, जरा स्टेज पर ले लीजिए। थैंक यू सो मच जय भाई, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन इसको फिर से उसी दिशा में खेला बैट्समैन ने जहां पे उनको सिर्फ एक रन कंसीडर्ड होगा। इसके पहले जो मनोज भाई ने एक अनाउंसमेंट की थी, प्लीज इस अनाउंसमेंट को आप थोड़ा सीरियस लें, बिकॉज ये ऑलरेडी कल से इंप्लीमेंट हो चुका है। हेलो, जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं एक बार प्लीज स्टेज पर आ जाए। जो कमेटी मेंबर्स की टी शर्ट पहना हुआ है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाए। तू रुक उधर ही। जितने भी मेंबर्स हैं एक बार प्लीज स्टेज पर आ जाए। थैंक यू टीम फॉर कोऑपरेटिंग अस। एज यू नो कि यू नीड टू कंप्लीट योर 4 ओवर्स विद इन 15 मिनट्स टाइम स्लॉट, सो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। एन एम्पायर आई एम श्योर यू विल टेक केयर ऑफ इट। 15 मिनट्स मीन्स 15 मिनट्स। थैंक यू। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, पहला ओवर चल रहा है, बहुत अच्छा एवरेज है। अंपायर सिग्नल लेग बाय, अंपायर दिस इज लेग बाय। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों टीम के एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर मंच की तरफ आए। हेलो ज्ञानी भाई, आप जहां कहीं हो जरा मंच पर आ जाए ना। ज्ञानी भाई जरा मंच के इधर आ जाओ ना, मेरे को कुछ बात करना है आप लोगों से। जरा इधर आ जाओ, और कोई एक कमेटी मेंबर सबको बुलाओ जरा। आकाश जहां कहीं हो वो भी मंच पर आ जाए। जो टीम बैटिंग कर रही है उनका कोई एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज मंच की तरफ आए। पंच धीरज ओवर झाली है का? पंच धीरज ओवर झाली आहे का कंप्लीट? नक्कीच सदा परब साहेब यांचं नक्कीच स्वागत आहे वाल्मिकी भगवा चषक 2024 मध्ये। आणि नक्कीच सर तुमचं मोलाचं सहकार्य नक्कीच आम्हाला लाभलं, त्याबद्दल आम्ही खूप सत्यश आभारी आहोत तुमचं सर। आणि वाल्मिकी भगवा चषक 2024 ची कमिटी जी आहे तुमचं सर्वांचं स्वागत करते सर। थँक्यू सो मच सर, तुम्ही नक्कीच वेळात वेळ काढून आपल्या इथे नक्कीच उपस्थित राहिलात आणि या आयोजनाचे नक्कीच शोभा वाढवली, त्या आयोजनाचे नक्कीच सर तुम्ही 4 चांद लावले। थँक यू सो मच सर। या सर वेलकम। आ रिक्वेस्ट टू अंपायर की लास्ट गेंद पे, लास्ट ओवर की लास्ट गेंद पे क्या अपडेट था, क्योंकि वो हमको अपडेट करना है। शेवटच्या चेंडूवर डिक्लेअर होता का? ओके, लेग बाय। थँक यू थँक यू थँक यू। हॅलो
नक्कीच वाल्मिकी भगवा चषक 2024 मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. प्रेक्षक जे स्क्वेअर लेगच्या दिशेला आहेत, राकेश सर अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळतो. पहिलाच धाव नक्की जोरात, अतिशय नक्कीच तितकेच गॅदर जबरदस्त पाहायला मिळाला फिल्डर कडून. वाल्मीकि 11 च्या टीम को रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आपका यहाँ पर 11वां 12वां खिलाड़ी भेजना है यहाँ पर आपको, प्लीज रिक्वेस्ट है. हमको बल्लेबाजों के नाम यहाँ पर समझ नहीं रहे. वाल्मीकि 11 के टीम से गुजारिश है अपना 12वां खिलाड़ी यहाँ पर भेजना है. यूट्यूब लाइव के माध्यम से यहाँ पर मैच का प्रसारण किया जा रहा है, तो बिल्कुल यूट्यूब के मैच यूट्यूब लाइव पर जो मैच का आनंद ले रहे हैं उनको इस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बामनवाड़ा बी और आकाश 11 के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द मंच की तरफ आ जाए. अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म बामनवाड़ा बी 11 और आकाश 11 के कप्तान टॉस के लिए जरूर आ जाए. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो अतिथि हैं उनके शुभ हाथों से ये टॉस हो. और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक गेंद हवा में और ये मैक्सवेल छक्का. It was a really wonderful atmosphere here, over here, and I really appreciate the audience. ट्वेल्थ मैन को प्लीज यहाँ पर जो देखो इतना अच्छा अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है और अगर उसके घर वाले उसके फैमिली उसके फ्रेंड्स यहाँ पर मैच देख रहे हैं और अगर उसका नाम यहाँ पर खिलाड़ी का पता नहीं चल रहा है क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से घाटकों पर बड़े बहुत से जगह से ये मैच का जो है वो आनंद लिया जा रहा है, तो यहाँ पर खिलाड़ी का नाम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. तो बिल्कुल अपना 12वां खिलाड़ी यहाँ पर भेजना है, नहीं तो आपको 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी. हेलो वाल्मीकि 11 का एक 12वां खिलाड़ी प्लीज यहां पर भेज दे, ये 5वीं बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आपका 12वां खिलाड़ी भेजे टॉस के लिए. जो है नाम क्या है, आकाश 11 वर्सेस बामनवाड़ा बी, टॉस के लिए आ जाए. आणि नक्कीच यानंतर जो होणारा सामना तो म्हणजेच वाल्मीकि आकाश 11 आणि नक्कीच बामनवाडा ह्या संघातून. आणि नक्कीच सरांना मी रिक्वेस्ट करेन नक्कीच सदावर्ते साहेबांना की नक्कीच तुमच्या हस्ते जो आहे टॉस केला जाईल आणि नक्कीच यानंतरचा सामना नक्कीच आपण पाहणार आहोत. रंगतदार सामना नक्कीच अतिशय जबरदस्त लढत पाहायला मिळेल नक्कीच, यात काही शंका नाही. आणि नक्कीच आता सरांच्या हस्ते नक्कीच आपल्याला टॉस थोड्याच वेळात पाहायला मिळेल. आणि आकाश 11 और बामनवाड़ा के बीच ये होने वाला मुकाबला और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक हवा में है और लेकिन इतना अच्छा एलिवेशन मिला नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज को निराश होकर लौटना पड़ेगा. अगली मैच का टॉस यहाँ पर हो रहा है सदावर्ते सर इनके हस्ते. आकाश 11 और बामनवाड़ा टीम बहुत ही तगड़े टीम है. यस थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी. सदा परब साहेबांच्या हस्ते नक्कीच टॉस केला जातो. वाल्मीकि भगवा चषक 2024 मध्ये हा आपण आकाश 11 विरुद्धात बामनवाडा या दोन संघांमध्ये नक्कीच आपण लढत पाहणार आहोत आणि त्या मॅचचा टॉस जे आहे सदा परब साहेबांच्या हस्ते आपण पाहतोय. टॉस हेलो
नक्कीस आणि वाल्मिकी भगवा चषक 2024 मध्ये नक्कीच सदा परब साहेब नक्कीच आपण इकडे स्वागत आहे आणि नक्कीच त्यांचं थोडंस आपण सन्मान करणार आहोत सदा कदम साहेबांच्या हस्ते. सदा परब साहेबांचा सन्मान केला जाईल तो म्हणजे सदा कदम यांच्या हस्ते. सर प्लीज हे आमचं छोटस तुमचं सन्मान आहे आमच्या कमिटीकडून आमच्या आयोजनाकडून. नक्कीच तुमच्या जो मोहलाचा वेळ देऊन तुम्ही इकडे आमच्यासाठी नक्कीच आमच्या निमंत्रणाला नक्कीच तुम्ही उपस्थित राहिला तर त्यासाठी नक्कीच आमच्याकडून हे तुमचं छोटस सन्मान आहे सर. यूट्यूब जे कॅमेरामॅन आहे प्लीज थोडा सा यहाँ पर कॅमेरा को फोकस करना है. सदा परब साहब का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है सदा कदम सर के हाथ से. वाल्मीकि भगवा चषक 2024 का ये भव्य दिव्य आयोजन और मैं कमेटी की तरफ से सर आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कमेटी के निमंत्रण को आपने बिल्कुल यहाँ पर जो है स्वीकार करके जो है यहाँ पर आपने आपका कीमती वक्त हमको दिया कमेटी को दिया. थैंक यू सो मच सर. हा सन्मान आहे तो म्हणजेच क्रिकेटचा हा सन्मान आहे तो म्हणजेच वाल्मिकी भगवा चषक 2024 धाव संख्या झालेले ते म्हणजेच 22 रन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है दो ओवर की समाप्ति नहीं तीसरी ओवर शायद यहाँ पर इन प्रोग्रेस है. और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक अगर देखा जाए तो अभी तक जो शुरुआत बहुत ही अच्छी की थी यहाँ पर अगले बल्लेबाज है. थैंक यू सो मच सर. वाल्मीकि भगवा चषक 2024 रिकी ओके यानंतरचा खेळाडू येतोय यानंतरचा फलंदाज येतोय तो म्हणजे सर रिकी. बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है पूरे बांड्रा में. इस खिलाड़ी का नाम बहुत चर्चे में रहता है हमेशा MIG में यहाँ ये खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करता है. रिकी बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है लेकिन अब उसको उसकी खासियत यहाँ पर दिखानी होगी मैदान में. बिल्कुल नाम तो बड़ा है लेकिन यहाँ पर दर्शन भी आपको बड़े करने होंगे. रिकी देखना होगा यहाँ पर कप्तान का भरोसा रिकी के ऊपर है और उनके कंधों पर जिम्मेदारी यहाँ पर कप्तान ने डाली है लेकिन उस जिम्मेदारी को बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक वहां पर थोड़ा सा खिलाड़ी फंबल जरूर हुए. पहला रन शायद से रन आउट हो सकते थे रिकी वहां पर थोड़ा सा देखा जाए तो स्कोर हो चुका है 23. ओके तीसरी ओवर यहां पर शुरू है तीसरी ओवर की चौथी गेंद हो चुकी है और स्कोर हो चुका है 23. रिकी इज अ टर्रिफिक प्लेयर. आप हम लोग कहते हैं ना कि मूर्ति लहान कीर्ति महान काइंड ऑफ दिस थिंग्स. हाइट भले छोटी है लेकिन छक्के उनके बड़े होते हैं. और ये स्लो वन लेकिन इसको पूरी तरह से बैट्समैन ने पढ़ लिया और ये आउट ऑफ द ग्राउंड. मैक्सवेल 6. देख सकते हैं कवि बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं लगातार और इस आज प्रैक्टिस का यहाँ पर जो है वो आपको इनको फायदा मिल रहा है. बिल्कुल ये इनका होम ग्राउंड है कवि का. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक स्लोअर वन गेंद को पढ़ लिया था. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था लेकिन यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो सर्कल ग्राउंड अगर होता तो ये शायद से छक्का हो सकता था. एब्सोल्युटली मिसल भाई ये स्ट्रोक बहुत ही जबरदस्त था बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डी रन ही डिक्लेयर है वहाँ पे. सो आई थिंक आई एम श्योर बल्लेबाज उस दिशा में जरूर अपने आप को एक्सप्लोर जरूर करेंगे जहाँ पे उनको मैक्सिमम मिले. स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन काफी अच्छा आई थिंक एवरेज कहेंगे. आई थिंक मिसल 10 रन का एवरेज प्रति ओवर ऐसे ग्राउंड में जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है पूरी तरह से ओपन नहीं है पीछे की तरफ स्कोर नहीं है लेग साइड ऑफ साइड की तरफ स्कोर नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड 30 रन इट्स समथिंग अ वेरी डिसेंट स्कोर ऑन द बोर्ड. यस नरेश सर
The score is the start which Valmiki 11 has got was quite acceptable, but the after second over the runs has not been okay. Dhiraj sir, please तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे लवकरात लवकर सामन्याची सुरुवात करायची, जास्त वेळ घ्यायचा नाही. आणि नक्कीच खिलाडीओसो भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो बॉलिंग के खिलाड़ी है टीम मलाड चिंचोली फाटक की खिलाड़ियों से मैं गुजारिश करूंगा, हर ओवर के बाद प्लीज आप थोड़ा सा हमको कोऑपरेट करेंगे, हर ओवर के बाद आपको यहां पर झूठना नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और कम टाइम में हमको बहुत सारे मैचेस यहां पर खिलाने और ये भव्य दिव्य आयोजन को हमको सक्सेसफुल कराना है. तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दर्शकों का भी. रिकी अब स्ट्राइक पर आएंगे. तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 30 रन. 10 की औसत से यहां पर रन रेट जो है वो आगे बढ़ता हुआ. रिकी का बहुत ही अच्छा स्ट्रोक हवा में, लेकिन यहां पर मिसफील्ड हुआ है. कैच था वहां पर, लेकिन उस मौके को यहां पर जोड़ दिया मलाड के. और जब इस तरह की कैचेस जब छूट जाती है तो कहीं ना कहीं एक बॉलर का भी मोरल डाउन हो जाता है, टीम भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है और बैट्समैन का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पे होता है. सो रिकी इज गोइंग टू फायर. बिल्कुल बिल्कुल नरेश सर, कैचेस विन द मैचेस हा मॅचचं सूत्र असतो. आणि नक्कीच जेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीची गोलंदाजी बघा, चेंडू इतका घाणेरडा, येस चेंडू जर का आपण पाहिला तर इतका घाणेरडा. आय रिक्वेस्ट टू कमिटी मेंबर, आय रिक्वेस्ट टू कमिटी मेंबर, प्लीज ग्राउंड में से सामने की तरफ से जो लोग खड़े हैं अननेसेसरी, कृपया आप लोग प्लीज कहीं और खड़े हो जाए. थैंक यू सो मच. येस नक्की झेल घेण्याची संधी देखील होती, पण नक्की झेल इकडे तो अचूक टिपला नाही. आणि नक्कीच त्यामुळे कुठे ना कुठे मॉरल नक्कीच डाऊन होईलच. अभी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं साहिल कागड़ा, तो मैं चाहूंगा मंच पर आने की कृपा करें. हमारी कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. वाल्मीकि भगवा चषक की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. हम तहे दिल से वेलकम करेंगे मिस्टर साहिल कागड़ा जी का, आपका वेलकम है. और ये गेंद सीधा बल्लेबाज ने फील्डर की तरफ, अपना कीमती विकेट खो दिया रिक्की ने. ऑफ कोर्स कोशिश करनी होगी बड़े स्ट्रोक्स की, बिकॉज ये आखिरी ओवर है इस इनिंग का मिसल जी. तो आई एम श्योर अगर एक डिसेंट स्कोर बोर्ड क्रिएट करना है तो इस ओवर में मैक्सिमम कोशिश करनी होगी. आई रिक्वेस्ट टू मुकेश एंड राकेश, गिव मी सम स्पेस. थैंक यू. बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर जो देखा जाए तो बिल्कुल शायद से इस चौथी ओवर और इस पहली इनिंग के शायद से आखिरी चार गेंदें शेष है, और अगर इस चार गेंदों में अच्छे स्ट्रोक्स आते नहीं है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो शुरुआत में जो बल्लेबाजों ने शुरुआत करा के दी थी यहां पर वाल्मीकि बॉयज यानी वाल्मीकि 11 की टीम को, उस शुरुआत का थोड़ा सा फायदा यहाँ पर वाल्मीकि टीम को होगा नहीं. हेलो, इसके पहले का जो मैच हुआ था उसका एक मैन ऑफ द मैच रह चुका है, तो मैं चाहूंगा अक्कू साइन फाइटर अक्कू, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए मंच पर आना है, तो प्लीज आप आ जाइए अक्कू. व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड. द बैट्समैन वुड लाइक टू हिट द बॉल आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड बट अनफॉर्चुनेटली इज मिस्ड अप एंड द डिलीवरी इज गॉन डायरेक्टली इन टू दिस स्टंप एंड ही लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंट विकेट. Yes, the kind of delivery bowled by the bowler Sunny was quite difficult. Sujal was quite difficult to play. YouTube cameraman. Akku was the man of the match in last game. He did a 16 runs and he got a two couple of wickets also. So in the hand of Sahil Kagra, he is getting man of the match. Please give a big hand, guys. Man of the match, something which is not easy task. Akku, such a really wonderful performance, and we are expecting some same kind of performance in next game also.
well played Akku, do well in next game. I request a committee member, please chase ke samne se jo unnecessary crowd khada hota hai wahan se, I need some space, thank you. बढ़िया स्ट्रोक सामने की तरफ खेल दिया, एक रन कंप्लीट हुआ, दो रन लेना चाहते थे. हाय स्कोर बढ़ता हुआ 36. इस ओवर की आखिरी गेंद, आई एम श्योर बल्लेबाज मैक्सिमम ट्राई जरूर करेंगे ताकि अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ लेकर जाएं. बिल्कुल सर, कवि ने इसके पहले वाले ओवर में बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था, मिड विकेट क्षेत्र में एक छक्का जड़ दिया था. बिल्कुल इस आखिरी गेंद पर भी कवि ने बहुत अच्छा वो प्रयास तो था, लेकिन आउटसाइड मारना था सामना, ताऊ चला गया पीछे एक रन खातर. बिल्कुल ताऊ भाई मनु बताऊं जो इस बार जो हमारी हरियाणवी कॉमेंट्रीज है वह इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पर भी जारी है. आप लोग देखते होंगे जियो पे जो आईपीएल 2024 इज गोइंग ऑन, वहां पे भी एक ऑप्शन है हरियाणवी, जहां पे मतलब ये इतनी स्वीट लैंग्वेज है, जहां पे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, एंजॉय करते हैं. एंड ट्रस्ट मी द बिग सेलिब्रिटीज लाइक आमिर खान एंड सलमान खान सो ऑल्सो क्रिएटेड द मूवी इन दिस सेम लैंग्वेज लाइक सुल्तान एंड दंगल. सो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है, 300-400 करोड़ बिजनेस भी हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्वीट लैंग्वेज इज हरियाणवी. बिल्कुल सर, जियो वर्ल्ड के धीरज, ओके हम्पायर धीरज, हेलो हम्पायर धीरज, ओके हम्पायर धीरज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टार्ट द गेम बिकॉज ऑलरेडी पिछली टीम ने 14 मिनट 30 सेकंड में अपना 4 ओवर खत्म किया है, तो हम चाहेंगे कि ये टीम भी कुछ उसी हिसाब से अपने 4 ओवर को कंप्लीट करे. इस मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है. मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसी दिशा में स्ट्रोक खेलने होंगे जहां पे उनको मैक्सिमम रन मिले. लेट्स सी मिसल, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, 24 गेंदे और ओके 38 रनों की यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट है. लेकिन देखा देखो सर, जिस तरीके से आपने बात की हरियाणवी लैंग्वेज की और जियो जिस तरीके से आईपीएल यहां पर खेला जा रहा है, तो हर लैंग्वेज में आप देख सकते हो आईपीएल का प्रसारण किया जा रहा है, मराठी हिंदी हरियाणवी, आप देखेंगे तो बहुत सारे तमिलियन लैंग्वेजेस में, तेलुगु लैंग्वेजेस में. तो ये खास बात है क्रिकेट की, ये खास बात बिल्कुल बिल्कुल इंडियन प्रीमियर लीग की कि आप जो मैच का आनंद लेना चाहते हो वो अपने लैंग्वेज में लेंगे, अपने भाषा में लेंगे, अपने घर के लैंग्वेज में लेंगे, तो एक अलग मजा आता है और खेल पर चारों चांद लग जाते हैं. और वही इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की खासियत है, खास बात है. और जैसे कि आपने कहा कि हरियाणवी लैंग्वेज बहुत ही ज़बरदस्त है और उसमें निखिल बिल्कुल जो है वो दंगल मूवी और उसी के साथ साथ सुल्तान मूवी भी हम लोग को देखने मिले थी और बिल्कुल चार चांद लगा दिए थे यहाँ पर उन मूवीज ने. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंपायर लेट्स स्टार्ट द गेम, वी आर स्टिल डिले 30 मिनट्स फ्रॉम आवर शेड्यूल, सो लेट्स स्टार्ट. एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट कि बल्लेबाज की जो टीम है वो अपने बल्लेबाजों को भेजे ताकि मैच की शुरुआत करें. चिंचोली फाटक के बल्लेबाजों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप मैदान पर आए. आई एम श्योर आपको पैड पहनने की जरूरत नहीं होगी. यस थैंक यू सो मच. दो जबरदस्त बल्लेबाज बिल्ला एंड विक्की बीवी, आई एम श्योर दिस बीवी जोड़ी एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप करके अपने टीम को जिताना कोशिश करेंगे. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी आवर घाटकोपर क्राउड, वी रियली वेलकम टू
our Ghatkopar boys. Yesterday was a really, Misal, I must inform you, yesterday was a terrific day. Ghatkopar is a team who created a history over here. They have scored more than 51 runs in just 4 overs. And the man in form, Pintu Parcha, he was hitted like anything. He was hitted total 7 to 8 sixes along with Hariya. He's also hitted 3 sixes. Vicky Kandera, जो कि हमारे बहुत ही बड़े भाई के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं इनफैक्ट, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं. तो घाटकोपर ने ऑलरेडी 51 का एक बहुत ही जबरदस्त स्कोर खड़ा किया हुआ है इस टूर्नामेंट में. तो क्या आज हमें कोई ऐसी टीम मिलेगी जो 51 रन को क्रॉस करे? बिल्कुल सर, घाटकोपर बिल्कुल. यहाँ पर अगर कहा जाए, लेट मी टेल यू, घाटकोपर फ्रॉम द सो मेनी इयर्स यू नो डोमिनेट इन्होंने किया हुआ है. घाटकोपर में जो बच्चा जब पैदा होता तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है क्रिकेट खेलने का, एंड ही इज ऑलवेज रिप्लाइड ऑफ कोर्स यस. Yes, that's the reason why we have seen so many of players has been playing cricket since from many years. And let's start. Thank you so much. Sorry, Misal, I have interrupted you. But your time start now. 15 minutes. You have to finish this game. And since from so many of years, we have seen Pintu Parcha sir has been playing cricket in the tennis world and has made his name and the Samaj ka name or the community name Valmiki, because many of the players, even Akash Chindaria has played a very big cricket on a very big level. Of course, as well. Agree. Here we go. First ball, and he's tried to big one, but it's totally missed up. Of course, if they have to achieve the target 38 runs, they have to now start in action mode from the very first ball. 24 गेंदे 38 रनों के यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट है. देखा जाए तो बिल्कुल पहली गेंद थोड़ी सी पहली गेंद थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस धीमी गेंद थी, और उसके बाद अभी यहाँ पर देखो बिल्कुल स्लॉट में कर दी गेंद. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मिडविकेट की दिशा में, थोड़े से फंबल हुए लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा कवि द्वारा. कवि ये खिलाड़ी है जिन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में बहुत ही लंबा छक्का ठोक दिया था अपने टीम के लिए. एब्सोल्युटली, और अभी बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल फील्डिंग करते हुए. एक पेड़ भी उनके बीच में थे, लेकिन उन्होंने उन पेड़ को अवॉइड कर दिया. वहां पर देखना है खिलाड़ी को किसी भी तरीके की, और यहां पर हमारे बीच मिस्टर राहुल वैद आ चुके हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज ही इज फ्रॉम वाल्मीकि समाज, एंड इन्होंने अपने फिजिकल अपीयरेंस को इतना अट्रैक्टिव किया है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देते हैं हमारे यंगस्टर को कि कीप हेल्दी कीप फिट. सो वी वेलकम टू राहुल वैद, वेलकम मैन, वी लव यू ऑल. इसी तरह से, एंड हाँ, आप अपने लुक से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज इंस्पायरिंग फ्रॉम हिज पर्सनालिटी. आउट, वेलकम राहुल. पहले ओवर की आखिरी गेंद शेष है और 5 गेंदों के बाद रन हो चुके हैं 3. ओके, यस सर राहुल, बिल्कुल मेरे बचपन से मेरे दोस्त है, हम यहाँ पर साथ में क्रिकेट खेले हैं, और बिल्कुल राहुल सर की जो पर्सनालिटी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो चेंज लाया है, बिल्कुल दुबले पतले से थे एकदम पहले, लेकिन जिस तरीके की अभी पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, शायद से इनका बाइसेप जो है वो 20-22 का होगा और छाती जो है वो यहाँ पर 50-60 की तो होगी. राहुल सर इसके खातिर, राहुल 50 रुपए दिए थे, इतना मत बोल रहे भाई, सब मालूम पड़ जाएगा. बिल्कुल कोई पैसे नहीं दिए थे सर ने, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर दिल से मैं सर के साथ बचपन से मैं क्रिकेट खेलता आया हूँ. दिस इज फॉर अ लाइटर मोड बिकॉज़ ऑडियंस को थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए भैया, ना तो भाग जाएंगे वो लोग. बिल्कुल मैं राहुल सर के साथ बचपन से क्रिकेट खेलता आया हूँ और मैंने उनको देखा है बचपन से, इनकी पर्सनालिटी कैसे थी और आज कैसे वो है, तो बिल्कुल प्रशंसा करनी होगी.
क्योंकि देखो आपको बॉडी बनाना इतना आसान होता नहीं है, आपको डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सही तरीके से आपका डाइट पर ध्यान देना होता है, आपको सही तरीके से फिटनेस पर आपको जिम करनी होती है, आपको सही तरीके से रेस्ट करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। और बिल्कुल उसकी वजह से बिल्कुल राहुल सर की पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं। और शायद से पहली ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 4। बिल्कुल शुरुआत यहां पर उतनी अच्छी हुई नहीं, बहुत ही स्लो मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज अभी 18 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। आई एम श्योर टीम वहां पे दोनों बैट्समैन स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजी जल्द से जल्द बनानी पड़ेगी, अदरवाइज कहीं देर ना हो जाए। ओके, पहले ओवर में जो है हेलो धीरज सर, फटाफट बहुत मैच कराने हमें प्लीज, वाल्मीकि 11 प्लीज फटाफट फील्ड लगाए भाई, बहुत मैच कराने हैं, दो मैच और बाकी है और लेजेंड का मैच भी बाकी है, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो भाई, आज पहले ही लेट हो गए हम। हमारे जो भारत नगर की लेजेंड प्लेयर है यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेजेंड प्लेयर से, प्लीज अपनी टीम को रेडी रखें, इसके बाद दो मैच है, आप प्लीज फटाफट अपने सीनियर प्लेयर को फोन करके बुला लो प्लीज भाई। मैच काफी धीमी शुरुआत, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला मिड विकेट की दिशा में, एक रन जरूर मिलेगा, दूसरा रन जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सिर्फ 5 रन। स्ट्राइक पर रवि है जो बड़ा स्ट्रोक करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। कोशिश की लेकिन मिस हो गए पूरी तरह से, गेंदबाज ने उनको पूरी तरह से फिर से वही स्ट्रोक खेलने गए मिड विकेट की दिशा में, उनको पता है मिड विकेट की दिशा में जो छक्का है वो काफी नजदीक है, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं हमारे रवि भाई। बट आई एम श्योर हमारे जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है वो उनको जरूर कुछ टिप्स देंगे कि भाई देख कर। हवा में खेल दिया, कीपर वहां मौजूद और एक आसान सा कैच दे बैठे रवि, अपना इंपॉर्टेंट अपना इंपॉर्टेंट विकेट खो दिया रवि ने। और अब जो नए बल्लेबाज आए हैं उनका नाम है नए बल्लेबाज चिराग, आई एम श्योर चिराग जलाकर वो अपनी टीम को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाना जरूर पसंद करेंगे। चिराग ऑन स्ट्राइक, चिराग ने भी उसी दिशा को अटैक करना चाहा मिड विकेट जहां पे छक्का नजदीक दिखाई देता है, दिखाई देता है नजदीक लेकिन है नहीं, मारने के लिए पावर इज रिक्वायर्ड। ब्लॉक हो रहा, अफसा मुड़ा दिया, चिराग पूरी तरह से सरप्राइज हुए और उनके चेहरे पे भी स्माइल थी कि ये क्या हो गया, के बड़ी मेरे गिल्ला एंड हिज लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट विकेट, स्टिल चिराग स्माइलिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट। गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा,
मोनू ने बहुत जबरदस्त गेंद डाली, पूरी तरह से बैट्समैन को सरप्राइज कर दिया। और जो नए बल्लेबाज हैं उनका नाम है संजय उर्फ मोगली, ही इज कमिंग फ्रॉम जंगल बुक। हेलो, इसी बीच हमारे बहुत सीनियर प्लेयर श्री मिट्टू भाई, जो ए टीम की हम पैदा भी नहीं हुए थे जब भी आन और बान और शान हुआ करती थी, तो मैं चाहूंगा भाई मंच पर आ जाए और सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे मिट्टू भाई का। अभी भी स्कोर बढ़ता हुआ है, काफी स्लो स्कोर है, सिर्फ 7 रन हो चुके हैं। और मैं चाहूंगा राजन मोरे साहब आप भी मंच पर आ जाए। ठीक इसी तरह हमारे बीच राजू भाई गहलोत आरडी, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह हमारे बीच रमेश जी कागड़ा, जो किसी जमाने में ए टीम की जान और शान हुआ करती थी, तो मैं चाहूंगा आप भी मंच पर आ जाए। राकेश के पापा रमेश कागड़ा, आपसे विनंती, आप मंच पर आ जाए प्लीज 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 मंच पर आ जाए। रवि आप भी, रवि अंकल आप भी आ जाइए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला मिड विकेट की दिशा में, और ये बहुत ही बढ़िया कैच विक्की द्वारा। आसान नहीं होता इस तरह की कैच पकड़ना, बड़ा रियली अप्रिशिएट, वेल कॉट। और ये कैच जो है कंसिडर करेंगे हम हीरोंडा स्पेक्टकुलर कैचेस में। राकेश कागड़ा जरा प्लीज मंच पर आ जाए। राकेश भाई कागड़ा, राकेश, राकेश कागड़ा आप मंच पर आ जाए। Can we start the game, umpire? Thank you. I can see few fantastic player from Ghatkopar unit. I welcome to Mr. Ritu Chandelia. Ritu, welcome to from the bottom of my heart. के बात होगी बल्लेबाज, बॉल दिखी को ना।
या बॉल आई अर्षी बुंडी तेरी बैट घुमाया भाई ने, लेकिन बॉल जित पहुंच नहीं थी, उड़नी पूछी कीपर दूर पहुंच गई भाई, कोशिश कर ला घनी देर तक, एक बार तो लगेगा भाई, कोशिश करता रहे। कोशिश एक रन, थैंक यू अंपायर, रन भी बहुत बाकी से मैच जीतने खातर, अरे भाई कोशिश कर रहे से, इस तरह की मैच एकदम शांत होगी से, मतलब थोड़ा सा ऑडियंस इंटरटेन नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा आरडी भाई आप जहां कहीं हो एक बार मंच पर आ जाएं। हो गया भाई का काम, आउट हो गया आरडी भाई। सुभाष जी जादव आप भी मंच पर आ जाए, वाल्मीकि समाज की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वाल्मीकि भगवा चषक की कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सुभाष जी जादव आप प्लीज जरा मंच पर आ जाए। रॉकी अभी इसी बीच एक सत्कार होने जा रहा है, आरडी भाई का स्वागत सत्कार करेंगे, जैसे कि कैमरा, जैसे कि हमारे ए टीम के बहुत ही पुराने खिलाड़ी है आरडी भाई, आज जो ए टीम का नाम है वो इन भाई की वजह से है और वही टीम का कारवा आज तक हमने संभाला है, तो मैं चाहूंगा उनके सपुत्र रॉकी उनको टी शर्ट से सम्मानित करें जरा। थैंक यू वेरी मच आरडी भाई, जो आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमको सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आरडी भाई। आरडी भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ इस टूर्नामेंट के बारे में कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू वेरी मच।